Love आपकी याद प्यार लेकर जब मैं बाबा को भोग स्वीकार कराने गई तो सतगुरु बाबा के दिन पर सदा बाबा के पास जाने की बहुत खींच रहती है तो बाबा ने बाबा तो बहुत प्यारी दृष्टि दे रहे थे हम सबको भोग लेकर के आई तो बाबा ने बहुत प्यार से बहुत प्यार से भोग स्वीकार किया और बाबा ने कहा कि कि बाबा देख रहे थे कि जनवरी मास में हर कोई बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहा था और सबका लक्ष्य था अव्यक्त स्थिति को पाना अच्छा संतुलन रखा स्वयं के पुरुषार्थ का भी सेवा का भी बहुत अच्छा संतुलन रखा तो बाबा मुबारकबाद दे रहे थे हर एक बच्चे को और फिर मैंने बाबा से कहा बाबा अब तो फरवरी मास शुरू हो गया है और इसमें तो हम आपका और अपना जन्मदिन मनाएंगे तो मुस्कुरा रहे थे बाबा और बाबा कह रहे थे आप अपना जन्मदिन कैसे मनाओगे तो मैंने बाबा से कहा बाबा आप मुझे कह रहे हो कि सभी बाबा के बच्चों को तो बाबा ने कहा हाँ जनरल में पूछ रहा हूँ क्या करोगे आप सब कैसे मनाओगे जन्मदिन तो मैंने कहा बाबा कोई लोग केक काटेंगे कोई भोग स्वीकार कराएंगे अलग अलग रीति से मनाएंगे तो बाबा फिर मुस्कुरा रहे थे फिर बाबा ने कहा कि आ लेकिन आप मेरा जन्मदिन कैसे मनाओगे तो मैं बाबा की तरफ देख रही थी और फिर मैंने बाबा को बाबा हम भोग बनाते हैं और प्रोग्राम करते हैं पब्लिक के लिए मंदिर में जाते हैं सेवा करते किसी न किसी रूप में जाकर तो बाबा ने कहा कि असल में सच्चा तरीका और प्यारा तरीका जन्मदिन मनाने का ये है कि बाबा का परिचय दो सबको तो बाबा ने कहा कि जितने ज्यादा आत्माओं को आप परिचय दोगे माना आप उतने वारिस आत्माएं निकाल रहे हो तो जब आप वारिस बच्चे निकालते हो तो फिर वो अपना वर्षा लेंगे अपना अधिकार लेंगे तो जो भी आ रहे हैं तो वो अपना वर्षा लेने आ रहे हैं तो फिर वो ऐसे नहीं समझेंगे कि हम अंत में आए हैं तो आखिरी का समय है तो वो लेकिन तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो बाबा कह रहे थे दूसरा जो गिफ्ट है वो ये कि आप खुद एक अच्छा उदाहरण बन के दिखाओ दूसरों के सामने क्योंकि सदा याद रखो कि जो भी हम करते हैं जो भी हम सोचते हैं जैसे हम बोलते हैं जैसे हम कर्म करते हैं वैसे दूसरा हमको देख कर है, लेकिन आप जैसे आ, याद कराते रहो अपने आप को कि फॉलो फादर क्योंकि हम सब अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं तो एक को ही हमें फॉलो करना है फादर को तो बाबा कह रहे थे ना कभी कभी तुम कहते हो ना ऊपर नीचे होता रहता है तो आप ज्यादा ऊपर रहते हो कि ज्यादा नीचे रहते हो कहाँ पे ज्यादा तो दीदी ने बोला कि मैंने बोला कि आ, 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 बाबा कोई ये डिपेंड करता है तो बाबा ने कहा नहीं आपको सदा ऊपर रहना है नीचे नहीं ऊपर और नीचे सिर्फ अपना पार्ट बजाने के लिए आना है ज्यादा ऊपर रहना है तो जब आप ज्यादा उपराम रहते हैं तो फिर कैसे संकल्प आते हैं मन में लेकिन जब आप नीचे होते हैं तब कैसे संकल्प आते हैं लेकिन एक जैसे संकल्प होने चाहिए ना ऐसे नहीं कि कभी कभी मन और बुद्धि बहुत व्यस्त हो जाए बहुत चीजों में फंसा रहे करो जो करना है वो करो लेकिन अपनी बुद्धि को ऊपर उपराम बाबा के साथ और उसके बाद बाबा कह रहे थे कि जब आप ड्रामा देखते हो और अचानक जैसे सीन बदलता नहीं है तो आप क्या सोचते हो कि ओ आ, सीन नहीं बदल रहा कोई अगर आप ड्रामा देखने जाओ तो आपको लगता है ना इसमें कुछ गड़बड़ है क्या तो ऐसे ये ड्रामा भी है ना ये ड्रामा भी चल रहा है अलग अलग सीन आते हैं, अलग अलग परिस्थितियां आती हैं लेकिन आपको हर एक में न्यारे रहना है और हर चीज को जो आया चला गया पास्ट पास्ट हो गया उसके बारे में ज्यादा चिंतन नहीं करना ज्यादा बोलना नहीं और बहुत अच्छी बात जैसे ब्रह्मा बाबा कहते हैं चलो जाने दो इस चीज को हम कहते हैं ना चलो जाने दो तो मोहिनी दीदी हिंदी में भी कह रहे चलो जाने दो माना कि आगे बढ़ो जो पुराना है पुराना पास्ट पास्ट हो गया तो ये बहुत जरूरी है और हमारी स्थिति इससे एक रस रहती है एक रस नहीं तो अगर हम सोचेंगे बोलते हुए एक ही जैसी परिस्थिति जो पहले भी आ चुकी है तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे ना तो जिनको आगे बढ़ना है उनको पुराना चलो जाने दो ऐसे उनको छोड़ना होगा तो अलग अलग एक्टर्स का क्या रोल है उसको समझना तो ऐसे बाबा जैसे चिट चैट कर रहे थे और फिर मैंने बाबा को बाबा कईयों ने याद प्यार भेजा है तो बाबा ने कहा हाँ बाबा को याद प्यार मिलती रहती है फिर मैंने बाबा से दृष्टि ली और सबके लिए याद प्यार लेकर फिर मैं आ गई ओम शांति Yeah. three ओम शांति ओम शांति मैं न्यारी और प्यारी आत्मा हूँ योग का अभ्यास है मैं आत्मा सुख दाता हूँ मास्टर सुख दाता के संतान सर्व शक्तियों से संपन्न हो मुझ पर किसी भी प्रकार के दुख की लहर का प्रभाव नहीं पड़ सकता मैं दुख के प्रभाव से मुक्त हूँ सुख स्वरूप हूँ व प्रभु की प्यारी हूँ सुख के सागर में समा जाएं, चिंतन करें हर परिस्थिति में सदा खुश कैसे रहें? और जो आज का अभ्यास है कल के लिए सहनशीलता की धारणा व्यर्थ पर फुल स्टॉप और आसुरी संस्कारों पर पहरा पांडवों के लिए प्रसिद्ध है कि वो कभी भी प्रतिज्ञा से हिले नहीं थे आप सबकी प्रतिज्ञा ही प्रत्यक्षता को लाएगी तो सभी को तीन प्रतिज्ञाएं करनी है पहले सहनशीलता का बल अपने में धारण करो दूसरा व्यर्थ पर फुल स्टॉप लगाओ तीसरा आसुरी संस्कारों पर पहरा दो ओम शांति शांति तो स्वागत है आप सभी का अब परिवार में आज दूसरा दिन है तो कल के लिए जो होमवर्क है आज का जो हमारा टॉपिक है सहनशीलता की धारणा व्यर्थ पर फुल स्टॉप और आसुरी संस्कारों पर पहरा तो अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे शांति, शांति। सबको मुबारक हो बाबा, बाबा हमको तो बहुत प्यारे प्यारे इशारे दे रहे हैं तो बाबा पहले महिमा करते हैं हम जो कर रहे हैं उसकी और फिर मैं समझती हूँ कि सब उतना कर रहे हैं जो जितना कर सकते हैं और बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं और सब में बहुत उत्साह भी रहता है सेवा का तो इस पूरे मास में भी बाबा को प्रत्यक्ष करने का सब में बहुत उत्साह है अपनी संपूर्ण स्थिति से तो शब्दों से तो हम परिचय देते हैं परंतु आप कैसे अपनी स्थिति से भी परिचय दे सकते हैं तो अपनी स्थिति कैसी हो तो उसके लिए हमको बहुत अच्छा उदाहरण बनना है जिससे कि लोग जब देखें तो महसूस करें कि कौन इनको पढ़ा रहा है क्या पढ़ा रहा है तो वो जानना चाहें हमसे तो हम कैसे करेंगे इसको वो हमको देखना है लेकिन जब हमारा शुद्ध संकल्प होता है ना तो फिर बहुत सारे हमारे सामने मौके भी हमको मिलते हैं सेवा के लिए तो बाबा को कैसे हम प्रत्यक्ष करें लेकिन आज का जो स्वामान का पॉइंट है ना कि मुझे न्यारा और प्यारा बनना है तो बाबा की अव्यक्त मूल्य जब से हम सुन रहे हैं तो ये सदा मेरे साथ रहता है कि अगर आ, हम दुख से ऐसे या व्य से न्यारे रहते तो फिर बाबा हमको प्यार देता है बाबा का प्यार हमको अनुभव होता है और मैं कैसे ये महसूस करती हूँ क्योंकि ब्रह्मा बाबा कभी कभी तो आप जैसे कभी थके होते हैं जल्दी सोना चाहते हैं तो मैं एक दिन कमरे में गई तो नौ बजे हुए थे तो बाबा ने जैसे मुझे बुलाया और फिर बाबा ने मुझे कहा कि मैं कमरे में थी और बाबा ने कहा कि क्योंकि उस समय क्या होता था जब कोई ग्रुप जाता था तो तो अभी भी होता है ऐसा भारत में कि तो फिर वो सारे For the guides also. तो फिर वो आ, पूरा किराया देते आ, जैसे जो हमको लेकर आए तो हम उनकी सेवा भी करे तो मैं तो जाके रूम में चली गई थी तो एक मा, माता आ, पानी लेने के लिए जा रही थी जग लेकर तो वो भारी था तो बाबा ने मुझे बोला अरे आप उसको मदद क्यों नहीं कर रहे तो तो, तो बाबा ने मुझे बोला तुम ठीक हो ना तो क्योंकि उन दिनों क्या होता था जो भी समय होता था ना उसी समय अपने कमरे में जाना यानी कि कभी भी चले गए तो बाबा को लगा कि कुछ तो है जो वो इतना जल्दी कमरे में चले गए तो मुझे अभी भी याद है कि बाबा सदा ये सोचते थे कि हमको बहुत अच्छे निमित्त बनना है हर एक चीज के लिए तो बाबा ने कहा कि देखो अगर आप करोगे तो दूसरे भी आपको देखकर करेंगे ना लेकिन बाबा ने क्या सोचा कि आह हो सकता है कि कोई खुशी कम है या कोई उत्साह कम है या इसलिए आप बस जैसे आप एक कोने में चले गए अपने कमरे में चले गए तो मैंने कहा नहीं बाबा मैं मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ तो और फिर क्लास के बाद थोड़ा समय था तो मैंने सोचा कि चलो कमरे में चले जाए पर मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ क्योंकि बाबा चाहते हैं कि हम में से हर कोई सदा बहुत उत्साहित रहे और हर्षित रहे और हर चीज में हम अपना पार्ट लें तो ऐसे की ऐसे नहीं कि हाँ बस मैं अपने रूम में जा रही हूँ मैं थोड़ी ठीक नहीं हूं मैं नहीं ऐसे नहीं यज्ञ में ऐसे नहीं करना होता हर एक को हर एक को हमें से अपना योगदान देना होता है सेवा करनी होती है क्योंकि हमको अपने कर्मों को भी देखना है ना कि हमको परमात्मा से पालना मिले तो हमको अच्छा उदाहरण बन के दिखाना है तो ये जो पॉइंट है कि हम किसी भी दुख की लहर से भी न्यारे रहे तो ये बहुत अनुभव करने की बात है अभ्यास करने की बात है कि हम किसी भी तरह के दुख को प्रभावित नहीं मुझको और सदा खुश रहे उत्साहित रहे और कोई भी मौका सेवा का छोड़े नहीं और फिर बाबा ने कहा कि आ, आ, जैसे बाबा कहते हैं ना परमात्मा दुलारे हो तुम तो तो ये जैसे एक स्वमान है तो क्या मुझे अपने लिए रखना है कि मैं न्यारी और प्यारी आत्मा हूँ तो न्यारे सिर्फ ऐसे नहीं यहाँ से न्यारे परंतु न्यारे किसी भी तरह के प्रभाव से न्यारे इस स्थूल दुनिया के किसी भी प्रभाव से न्यारे तो ये बहुत अच्छी बात है बहुत सुंदर थी और हम सोच रहे ना आजकल दृढ़ संकल्प के बारे में तो मुझे ये तीन पॉइंट बहुत अच्छे लगे जो बाबा ने हमको दिए शुरू में अभ्यास के लिए कि हम कैसे दृढ़ संकल्प हमारे रहे बाबा ने कहा तीन चीजें हैं एक अपने आप को जानो कि तुम कौन हो और दूसरी जो मुख्य बात है कि स्वयं को परिवर्तन करो और तीसरी बात है परिवर्तन करना फिर तीसरी बात जो बाबा ने कही बाबा याद है आपको कि स्वमान में रहना so तो मैं इसके बारे में सोच रही थी जो बाबा ने हमको बताया कि हाँ दृढ़ संकल्प जो होता है वो जोर जबरदस्ती से नहीं आता और हम अपने ऊपर बहुत जिद से नहीं कर सकते वो तो वो बहुत स्वाभाविक रीति से होना चाहिए तो मैं इस इन तीनों चीजों के ऊपर सोच रही थी कि एक की खुद को जाने स्वयं को पहचानना कि मेरा पार्ट क्या है मेरी जिम्मेवारी क्या है तो स्वयं को समझना स्वयं के पार्ट को जानना तो वो स्वाभाविक रीति से ही हमारे अंदर दृढ़ता को लेके आता है उसके लिए हमें कुछ जोर नहीं लगाना होता और फिर परिवर्तन आता है क्योंकि मुझे परिवर्तन होना है कुछ भी हो जाए कुछ भी हो जाए वो महसूसता जिसमें वो महसूसता हो कि इसमें मेरा कुछ लाभ है कि हमको थोड़ा ऊंचा जाना जैसे कल की जो अव्यक्त मुरली थी वो पूरी कैसी थी कि छोटी चीजों में नहीं जाना छोटी छोटी बातों में नहीं फंसना और एक बात दृढ़ता की थी जैसे आज के लिए भी कि फुल स्टॉप लगाओ हम अभ्यास करें ना फुल स्टॉप लगाओ हाँ सहनशीलता जरूरी है पर व्यर्थ पर फुल स्टॉप ना, तो उस सहनशीलता से क्या दृढ़ता होनी चाहिए इस बात की कि मुझे परिवर्तन करना क्या है स्वयं में क्या परिवर्तित करना है कम से कम मैं इसमें बहुत लाभ समझते अपना फायदा कि जैसे कल हम बात कर रहे थे ना सत्य की सत्य क्या है कि परमात्मा सत्य है तो सत्य परिचय में रहना अपने सत्य सम्मान में रहना अपनी सच्चाई के जीवन को जीना क्योंकि दुनिया में आजकल क्या है झूठ बहुत ज्यादा है और स्वभाविक हो गया है और बहाने बाजी करना ये सब कुछ बहुत है दुनिया में लेकिन बहुत सरल होना सच्चे होना तो हम कहते हैं ना भगवान के लिए भगवान सत्य चित आनंद तो दूसरा है चित चित्त माना चैतन्य माना संपूर्ण जागृति क्योंकि यही हम शिव के लिए कहते हैं ना सदा जागती ज्योत है वो तो जो सदा जागृत है सदा जग जला हुआ है तो हमारी जैसे हमारी अः सोला कला हमको संपूर्ण बनना है तो सतयुग में क्या होगा हमारी ज्योत जैसे सदा जगी रहेगी तो सदा जागृत तो सिर्फ एक परमात्मा बाबा जो न्यारा रहता है इस पूरे चक्र से न्यारा रहता है तो वो सदा एक रस है इसलिए उसको सदा शिव कहते हैं सदा शिव सदा चैतन्य सत्य और उनको पावन भी कहते हैं कि उनको सदा स्मृति भी रहती है जैसे हमारी स्मृति का क्या है कि कभी बढ़ती है कभी कुछ तो बाबा हमको स्मृति स्मृति याद दिलाते रहते हैं लेकिन एक है संपूर्ण स्मृति रहना सदा स्मृति रहना तो किसी भी लगाव से मुक्त तो जब हम लगाव नहीं होगा तो फिर हम दुख भी नहीं अनुभव करेंगे ना लगाव से ही दुख का भी अनुभव होता है तो आ, कुछ ना कुछ कभी स्वयं से कभी संबंधों से कभी वातावरण से तो कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत कुछ हमें सूक्ष्म में भी लगाव होता है जिससे हमें दुख का अनुभव होता है लगाव है इसीलिए तो दुख हो रहा है ना तो याद रखो एक बार एक माँ मा थी माता थी वो दीदी के पास गई और और बहुत प्यार से जैसे वो बता रही थी वो कि अपने घर के बारे में कि वो ऐसे बात करते ऐसे बात करते तो दीदी ने बोला आप ये सब उनकी बातें करें क्योंकि आपके अंदर लगाव है बहुत उनके लिए तो ऐसी सब चीजें कहना अभी बंद करो तो सूक्ष्म रूप में क्या होता है कहीं ना कहीं हमारा लगाव होता है तभी हम ऐसी दूसरों की बातें करते हैं ना तो बाबा हमको जैसे कहते हैं न्यारे तो बनना ही है तो जितना न्यारे बनेंगे तो प्यारे बनेंगे न्यारे बनने का मतलब ये नहीं है कि हम प्यार नहीं करेंगे दूसरे से फिर और भी ज्यादा प्यार होगा तो न्यारे बनने का सबूत ही ये है कि आप प्यारे बन रहे हैं तो आत्म अभिमानी स्थिति हो तो बहुत आ, ये बहुत अच्छा होमवर्क है कल के लिए जो हमको मिला है और आ, फुल स्टॉप लगाना है व्यर्थ को सहनशीलता को धारण करना है पर साथ साथ न्यारी और प्यारी आत्मा हो तो मुझे विश्वास है कि कल आप लोग इस होमवर्क को एंजॉय करेंगे पसंद आएगा आपको करना and... सहनशीलता को धारण करना व्यर्थ पर फुल स्टॉप और आसुरी संस्कारों पर पहरा पांडवों के लिए प्रसिद्ध है कि वो कभी भी प्रतिज्ञा से हिले नहीं थे आप सबकी प्रतिज्ञा ही प्रत्यक्षता को लाएगी तो सभी को तीन प्रतिज्ञाएं करनी है पहला सहनशीलता का बल अपने में धारण करेंगे दूसरा व्यर्थ पर फुल स्टॉप लगाएंगे तीसरा आसुरी संस्कारों पर पहरा देंगे ओम शांति ॐ शांति अवयक्ति परिवार सो नाउ लेट्स डू रो अवयक्ति जर्नी एंड ओम शांति अवयक्ति परिवार तो अभी दूसरा दिन है अव्यक्त मुरली का जो 1969 के बाद की मुरलियां हैं जो हमें प्रेरणा देती है हम रामन से फरिश्ता कैसे बने Shanti. Om this Shanti. Continuation from 21st January. ये मुरले 21 जनवरी 1969 का आगे का पार्ट है जो कल पढ़ा उसके बाद तो बाबा ने शरीर छोड़ा है लेकिन हाथ नहीं छोड़ा क्लास जैसे चलती है वैसे ही चलेगी क्या सुनाएंगे जो ब्रह्मा का तन मुकरर है तो मुरली उसी के तन द्वारा जो चली वो ही मुरली है और संदेशियों द्वारा थोड़े समय के लिए जो सर्विस करते हैं उसको मुरली नहीं कहा जाता उस मुरली में जादू नहीं है सिर्फ बाप दादा की मुरली में जादू है इसके लिए जो भी मुरलियां अभी चल चुकी हैं वो सब रिवाइज करनी है जैसे पहले पोस्ट जाती थी वैसे ही मुख्य सेवा केंद्र पर आबू से जाती रहेगी क्या आपको एक वर्ष पहले जो मुरली चली वो याद है कल जो पड़ी वो भी याद नहीं होगी कई पॉइंट ऐसे हैं जो कई बार पढ़ने से भी बुद्धि में ठहरते नहीं है इसलिए मुरली और पत्र उनका जैसे कनेक्शन होता है वैसे ही होगा जैसे आप मधुबन में रिफ्रेश होने आते हैं वैसे ही आएंगे क्या करें किससे मिलने आए अभी फिर ये प्रश्न उठता है किससे रिफ्रेश होंगे दो जो लकी सितारे हैं अर्थात जो निमित मुख्य हैं, उनके साथ पूरा संबंध जोड़कर जो भी आपके सेवा केंद्र की रिजल्ट है वो समझाए या समस्याएं हैं, जो भी सेवा केंद्रों की उन्नति है जो भी नए नए फूल उस फिलवाड़ी से खिले हैं उनको भी संगठन का साक्षात्कार कराने मधुबन में ले आए साथ, साथ ऐसे संगठन के बीच बाप दादा निमित बनी हुई संदेशी द्वारा पूरी सेवा करेंगे अभी और कोई प्रश्न रहा आप सोचते होंगे लोग पूछेंगे कि आपका ब्रह्मा बाबा सौ वर्ष से भी पहले चला गया ये तो बहुत सहज प्रश्न है क्योंकि मुश्किल नहीं क्योंकि सौ के नजदीक ही तो आयु थी ना ये जो सौ वर्ष कहे हैं, वो गलत नहीं है अगर कुछ रहा हुआ है तो आकार द्वारा पूरा करेंगे आकार स्वरूप द्वारा सौ वर्ष ब्रह्मा की स्थापना का पाठ है वो तो सौ वर्ष पूरा होना ही है लेकिन बीच में ब्रह्मा के बाद ब्राह्मणों का जो पाठ है वो अब चलना है तो ब्रह्मा ने ब्राह्मण किस लिए रचे क्या ब्रह्मा अपनी रचना को देखेंगे नहीं क्या आपको अभी संगम पर जिम्मेवारी का ताज नहीं देंगे तो सतयुग में देवता कैसे बनेंगे यहाँ की जिम्मेवारी ही वहाँ की नींव डालती है इसलिए जो भी आप बच्चों से प्रश्न करते हैं, उन्हें यही उत्तर दो कि ब्रह्मा की स्थापना तो चलनी है अभी बच्चों की पढ़ाई का समय बिल्कुल नजदीक है तो ये तो हर एक मुरली में मम्मा के बाद इशारा दिया ना क्या पेपर की तिथि तारीख को बताया जाता है जो पहले से ही बताया जाए उसको पेपर कहेंगे पेपर वो होता है जो अचानक होता है किसी को मन में जो होता है वो अचानक नहीं होता है रिजल्ट में क्या देखा पूरे पास नहीं हुए कुछ ना कुछ अभी हर एक में कमजोरी देखी फिर भी बहुत अच्छा क्योंकि समय पुरुषार्थ का है उस प्रमाण रिजल्ट अच्छी ही कहेंगे बाकी बाकी तो बाप दादा दोनों ही एक बात पर खुश थे एक बात कौन सी बात बच्चों ने संगठन और स्नेह दोनों का सबूत दिया ब्रह्मा वतन से देख रहे थे कि कैसे, कैसे 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 कोई आता है कब कब आता है और किस रूहाब से आता है किस स्थिति से मिलते हैं, तो ये भी रिजल्ट बाप दादा दोनों इकट्ठे देख रहे थे तो हर एक खुद को देखो खुद में जो कमी है उसको भरो बाकी आज से सभी के लिए कौन निमित्त है वो जो आप जानते ही हो दीदी दीदी तो है ही साथ में कुमार का मददगार है जैसे और सभी लिखा पढ़ी चलती थी वैसे ही हेडक्वार्टर से चलती रहेगी तो ये दोनों आप सभी की देखरेख करेंगी अगर आवश्यकता होगी तो आपके सेवा केंद्र पे भी चक्कर लगाएंगे लेकिन अभी पेपर क्या है ये तो अचानक पेपर निकला परंतु जो आने वाला पेपर है वो बताते हैं। अभी एक मत अंतरमुख और अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर संबंध में आओ तो यही बाप दादा जो पेपर बता रहे हैं उसकी रिजल्ट देखेंगे पिछाड़ी के समय ब्रह्मातन द्वारा जो शिक्षा दी वो तो वो तो सभी ने सुनी ही होगी और याद भी होगी तो आज के दिन संगठन के बीच कुछ देने भी आए हो कुछ लेने भी आए हो तो जो लेने आए हैं वो देने के लिए तैयार हैं जिसके दिल में कुछ संकल्प आता हो कि ना मालूम क्या होगा अब ऐसे कैसे होगा तो वो हाथ उठाए अगर सभी संतुष्ट हैं तो उसको देने में सन, उनको देने में भी संतुष्ट रहेंगे तो दो बातें आज इस संगठन के बीच में देना कौन सी दो बातें एक जो मुख्य बात है कि आज से आज से आपस में एक दो का अवगुण देखना ना देखना न सुनना चित्त पर रखना अगर कोई भाई बहन की कोई भी कमी देखने में आए तो निमित बने हुए जो हैं, उनको इशारा दिला सकते हो दूसरी बात दूसरी बात कई लोग आपको निश्चय से डगमग कराने के लिए बोलेंगे कि आवाज फैलाएंगे कि अब देखो देखेंगे ये संस्था कैसे चलेगी लेकिन उन लोगों को ये थोड़ा ही मालूम है कि इनों का आधार अविनाशी है दूसरा ये भी ध्यान रखना कि कोई भी हिलाने की कोशिश करे तो जैसे आप बच्चों का कल्प पहले का गायन है ना अंगद के समान पाओ ऐसे उसको अंगद के समान पाओ को नहीं हिलाना है

With your perfect form, become an instrument to reveal. With your Imbibe tolerance. Put full stop to waste. Sehen ki dharana. Vyarat par full stop. और आसुरी संस्कारों पर पहरा For the Pandavas, it is said पांडवों के लिए प्रसिद्ध है कि वो कभी भी प्रतिज्ञा से हिले नहीं थे प्रॉमिसू है आप सबकी प्रतिज्ञा ही प्रत्यक्षता को लाएगी So, तो, three सभी को तीन प्रतिज्ञाएं करनी है पहली सहनशीलता का बल अपने में धारण करेंगे दूसरा व्यर्थ पर फुल स्टॉप लगाएंगे एंड थर्ड और तीसरा संस्कार आसुरी संस्कारों पर पहरा देंगे दृढ़ संकल्प की प्रतिज्ञा अपने संपूर्ण रूप से परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनना सहनशीलता की धारणा व्यर्थ पर फुल स्टॉप और आसुरी संस्कारों पर पहरा लिए प्रसिद्ध हैं कि वह कभी भी प्रतिज्ञा से हिले नहीं थे आप सबकी प्रतिज्ञा ही प्रत्यक्षता को लाएंगे तो सभी को तीन प्रतिज्ञाएं करनी हैं। पहला सहनशीलता का बल अपने में धारण करेंगे दूसरा व्यर्थ पर फुल स्टॉप लगाएंगे और तीसरा आसुरी संस्कारों पर पहरा देंगे ओम शांति